लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान ते लुधियाना तो MLA सरदार सिमरजीत सिंह बैंस नाल विशेष गलबात करदे हां कहा कि लोक इंसाफ पार्टी पंजाब दियां 117 सीटां ते साफ सुथरी छवि वाले नुमाइंदे खड़े करेगी ते पंजाब दी सत्ता ते काबज हो के इन्हां नूं कानून अनुसार इन्हां दा असली घर दिखाएगी। बाकी तां अखबारी बयानबाजी तक सीमित हन। असी जमीनी हकीकत विच काम करन विच विश्वास रखदे हां लोक इंसाफ पार्टी वाले। बैंस साहब तुसीं संघर्षशील लीडर हो पंजाब दे, पहलां तां बधाई है तुहानूं NKNT वल्लों। थैंक यू ब्रदर, तुहाडा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दूसरी गल बैंस साहब, तुहाडा शरीर ते सरकार दा डंडा, ये हमेशा ऐसा क्यों होंदा कोई भी सरकार तुहाडे ते डंडे बरसाण तों झिझकदी नहीं? सरकार सच्चाई दा सामना करन तों भजदी आ। सच्चाई बोलनी भी औखी आ ते सच्चाई सुननी भी औखी आ। मनू साडी दात्री असी मनू दे सोए, ज्यों ज्यों मनू वढ़दा असी तूण सवाए होए। सेवा देश दी जिंदड़ी है, बड़ी औखी गल्लां करनियां, ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा दे विच पैर धरिया उन्हां लख मुसीबतां झलणियां ने। मेरे कोल पिछले 20 साल दा रिकॉर्ड आ कि जिन्ना सरकार ने जबर ते जुलम कीता उन्ना ही लोक इंसाफ पार्टी जिहड़ी आ वो तकड़िया होंगी गई, काफले बड़े होंगे गए। सो मैं पूरन आस आ 100 दिन चोर का 1 दिन साध का, ये डंडे मारन वाले लोग बेईमान करप्ट लूट माफिया चलाने वाले लोग एक दिन लोक इंसाफ पार्टी की गवर्नमेंट के इन्हों बनता जोड़ा कानून अनुसार इन्ह का असली घर जरूर दिखावे। इन्हों लोक इंसाफ पार्टी पंजाब दियां 117 सीटां दे विचों किन्नियां सीटां दे? देखो असी जथेबंधक तौर पर लोक इंसाफ पार्टी 117 विधानसभा हल्कों के अपने यूनिट जोड़े अच्छे ईमानदार लोगों को लैके कायम कर चुकी है। एंड असी उम्मीद करा भी जोड़े चंगे लोग राजनीति दे जो बेईमान जोड़े आ उन्होंने किसी ढंग तरीके विधानसभा पहुँचने तो लोग रोकण। असी यतन आ भी असी सारिया सीटों के उत्ते चंकी छवि वाले कैंडीडेट खड़े करा। 117 सीटा बिल्कुल। की नवजोत सिंह सिद्धू वो थोड़ी पार्टी का अंग हो गए आने वाले समय? देखो सिद्धू साहब कांग्रेस के बच्चे नैशनल पार्टी के बच्चे आ, इस सवाल का जवाब नवजोत सिद्धू दे सकते हैं, बैंस नहीं दे सकता। जाति तौर पर असी कट्ठे भी रहे हैं, राजनीतिक तौर पर जाति तौर पर साढ़े तालुकात है, पर राजनीतिक तौर पर इस सवाल का जवाब सिद्धू साहब बाखूबी दे सकते। ये थोड़ी जी शरारत भरे हासे वाली गल करना कि ये कोई संदेश दी है? देखो मैं कहूँगा नवजोत सिद्धू नूं अज पनिशमेंट इमानदारी ते सच बोलण दी मिली है। कांग्रेस दे विच बादलां दे विच BJP दे विच सच बोलण वालियां दी इमानदार लोकां दी कदर नहीं। नवजोत सिद्धू चंगा फैसला लैणगे मैं आस करदा। खाना खाते खाते एक गल दा होर जवाब दिओ, साधु सिंह धर्मसोत ने जो SC बच्चियां दे नाल कीता कि SC समाज के जिहड़े किसी भी पार्टी के MLA MP आ कि उन्हां दा फर्ज नहीं सी बनता कि वह सड़कां दे उत्ते अपने बच्चियां दा सहयोग देन? कांग्रेस की गवर्नमेंट हैगी आ, अकाली दल, BJP, आम आदमी पार्टी ते लोक इंसाफ पार्टी, असीं हैगे अपोजिशन दे विच। हुण सिर्फ अखबारां दे विच तुसीं बयान दे लो भी बड़ा माड़ा जी अस्तीफा दे दे, गल नहीं चलदी जिन्नी देर तक तुसीं समाज नूं इकट्ठा नहीं करदे, तुसीं जी समाज में जागरूक नहीं करते। असी आ यात्रा किन्ने असी सैकड़े पिंडा चों दी लंघना, हर जगह असी रिपोर्ट की कापी देनी है, टैंपलेट छपाया सरल भाषा के विच देना ता जो लोग जागरूक हो के इकट्ठे हो जाए। और कांग्रेस का बाइकाट जिन्नी देर तक धर्मसोत तुसीं बरखास्त करके CBI की जाँच नहीं करवाते, असी इस मिशन लिए निकले। बाकी लोग पार्टियां जिहड़ियां अखबारी बयानों तक सीमित आ, असी जमीनी हकीकत काम करन दे विच विश्वास रखदी लोक इंसाफ पार्टी। जिस तरीके दे नाल दलित लीडर सी सरवण सिंह फलौर श्रोमणी अकाली दल दे विच, चार बार उन्होंने इलैक्शन जीती ते शायद 5 बारी उन्होंने इलैक्शन जीती और वह मंत्री भी रहे, वह भी किसी ना किसी तरीके ड्रग का जिहड़ा एक निशाना बनिया, वह दलित लीडर होने के नाते उन्होंने पार्टी के बर्खास्त किया गया तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कि साधु सिंह धर्मसोत के नाल भी यही होगा कि दलित लीडर के उत्ते कोई तलवार चलूगी? जिहड़ा बेईमान है, हुण मैनूं फलौर साहब की ज़्यादा जानकारी नहीं उन्होंने केस की, क्योंकि उदों इनफोर्समेंट डायरैक्टर ने सारा कुछ किया। दोस्त धुआं उत्थे जिथे अग गया, धर्मसोत का तो रिपोर्ट एक सीनियर IAS अफसर ने रिटन दे विच दस्तावेज सबूत प्रूफ नाल ला के दिती है।
ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ, ਜਾਂਚ ਨਵੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਆ, ਨੌਨ ਦਲਿਤ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀ ਗਈ, ਔਰ ਜੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, NKN TV ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਮਾਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ।